काम मजेदार लग रहा है गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करना लाजमी है। शुरू करते हैं आज लोग, यार का भाई नए व्लॉग में आ चुका है और आज हमारे नानों घर बनने लगे हैं पाए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के मसाला वगैरह उन्होंने तैयार कर दिया है, ठीक है। दिखा देता हूँ क्या क्या डलता है पाए वगैरह में, ठीक है। चलते हैं किचन में, आ जाए किचन में दिखा दो क्या क्या पाए में डाला उन्होंने, पैसे पे लगाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पाए रखे हुए हैं, इसमें प्रेशर पे लगा हुआ है। गाइस की रेसिपी आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ, ठीक है। फिर जब वो रेडी हो जाएंगे आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। नहा के आता हूँ फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। और यार मुहर्रम वगैरह भी थे, इस वजह से व्लॉग बनाने का दिल नहीं किया मेरा, ठीक है। अब मुहर्रम ख़त्म हो चुके हैं, आपका भैया अच्छे से व्लॉग लाता रहेगा। और भाई पेपर शुरू होने वाले हैं, आप स्कूल भी खुलने वाले हैं, आगे देखते हैं आगे व्लॉगिंग जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी आकर आपको मैं हाँ कहता हूँ, पाए अभी प्रेशर पर रखा हुआ, ठीक है। फिर आकर पूरा आपको मैरिनेशन दिखाता हूँ उसकी। गाइस आपका भाई एकदम से नहा के रेडी हो चुका है, ठीक है। ना सुबह संडे भी है, ठीक है। मारने वालों का था कि नाश्ता पाए जाए हो जाए मज़ा आ जाए। आए 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 मजे आए आए आए, ठीक है। बड़ा अच्छे से मजेदार किस्म के पाए बनाने हैं, ठीक है। ऊपर बताया था अभी आपको थोड़ा पहले, और मेरा प्रीवियस व्लॉग अपलोड हो चुका है जो मैं डालना भूल गया था, ठीक है। दिमाग ही खराब है, ठीक है। सुबह आटा करेंगे, ठीक है। फिर आज थोड़ी बिस्कुट दिखाऊँ क्या क्या डाला उसमें, बिस्कुट क्या किया गया, ठीक है। आपके लिए सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता था कि हम नानों का अच्छा ना, ठीक है। और हमने न्याज वगैरह भी बांटी थी, वो मैंने दिखा, मैंने ब्लॉग बनाया नहीं मैं। तो गाइस खाना छाना खा लिया और खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, ठीक है। ये मेरी कज़न तो खेल रही है। नूर ब्लॉग में हाय कर दो बाय कर दी, हाय नहीं करना, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ पाए की क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें डाला गया है, उसकी रेसिपी दिखाता हूँ आपकी, फिर आपको ऊपर मिलता हूँ आपको। ओका गाइस आपको पाए दिखाता हूँ, अभी जा रहे हैं ऊपर, चाय हमारे हाथ में, ठीक है। देख रहे होंगे आप, चलते हैं आपको पाए दिखाता हूँ। ओके अभी ऊपर मिलता हूँ आपको। आज दसवां मुहर्रम था ना, इस वजह से मैंने ब्लॉग व्लॉग में आया कोई दिल भी नहीं किया, ठीक है। और न्याज बांटी थी हमने, पर इतना हम बनाने थे ब्लॉग बनाएंगे सुपर। अभी दिखाता हूँ क्या क्या इसमें डाला है, क्या क्या बनाया गया, किस तरह इसको फिर दिखाता हूँ, चाय मुकम्मल कर लूँ पहले। हुए 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 आज तो काम मजेदार लग रहा है गाइस। किचन में आए देखे पाए बन रहे हैं, एक जूसू और मुन्नू के पाए बन रहे हैं मेरे ख्याल से। 10 बजे पकेंगे फिर आपको दिखाऊंगा, फिर सुबह खा लो बताएंगे कैसे बने हैं। रेसिपी मैं डालने ही भूल गया और दिखाने ही भूल गया, बाकी सुबह आपको दिखाएंगे। मैं काम चला गया था ना, मैं काम वगैरह चला गया था, इसी वजह से आपको रेसिपी वगैरह नहीं दिखाई मैंने, ठीक है। अभी सुबह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके सुबह मिलती है आपको, ठीक है, नाश्ते के साथ। और आपको सुबह उसके पास दिखाऊंगा, अभी 10 बजे तक इसको बंद कर देंगे। उम्मीद है 6 बजे होंगे, ठीक है। मुझे लग रहा खुशबू से लग रहा कि पाए अच्छे लगे हैं, सुबह दिखाऊंगा। अभी रात को फूल पकते रहेंगे, गाढ़े हो जाएंगे, फिर आपको शाम सुबह दिखाएंगे। ओके बाय बाय गाइस, खाना वाना खा लिया था और हमने रात को प्लान किया कि हम बर्गर खाएंगे, ठीक है। और हमने मामू को रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा की, फिर बर्गर खाए, मामू ने बर्गर ला के दिए, ठीक है, ठीक है। मैंने जैसे वो क्लिप डिलीट हो गया था जो मैंने बनाया था, ठीक है, वो शायद मैंने सेव नहीं किया या मुझे गाइस बर्गर आ चुके हैं, अब इनको ख़त्म करेंगे और आपको दिखाते हैं कितने मज़ेदार बर्गर हैं। ये देख रहे होंगे मामू ले आए हैं, थैंक यू फॉर दी मामू। बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं, बर्गर अभी बाद में दिखाता हूँ आपको। हाँ मेरा
मजेदार गाइस बर्गर शेक खा लिया ठीक है। बर्गर बहुत ज्यादा मजेदार थे ना मनी, मजेदार थे ना। दिखा अपनी फैमिली वगैरह भी थी ठीक है। ये मेरा कजन है, मजे करते हैं। को सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब करो ठीक है। तो व्लॉग बना थोड़ा सा और शेयर भी करो और व्लॉग भी बनाओ आप लोग ठीक है। चुप कर बे कुत्ते। फाइनली फल लिया। ये हमारी बड़ी प्यारी कजन है, हर वक्त मेरे साथ अच्छी रहती है, ऐसे लुक करती है ठीक है। बड़ी क्यूट सी है। ये भी है मेरी कजन, एक देख लो मेरे। ये मेरा कजन है। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। जब भी हम ऊपर जा रहे हैं ठीक है, दिखाता हूँ अभी आपके भाई एकदम से रेडी हो चुका है। अभी दिखाता हूँ आपको, आपको पावे दिखाते हैं। लोड था पावा तल्लावा दिखाता हूँ आपको। वाह वाह खुशबू बड़ी अच्छी आ रही गाइस, देख लिया होंगे आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो ओके, अभी जब मामू ला रहे हैं ले जा रहे हैं ठीक है, जब आपको दिखाऊंगा फिर ऐसे चमक सी सुंदर नाचता होगा हमारा ठीक है। बाकी दूसरों के लिए दूसरे लंच वगैरह या हलवा पूड़ी वगैरह आएगी, हमारे लिए तो पावे हैं, हम वही खाएंगे ठीक है। सेकेंड टाइम खाना ना पाए मैं, पहले मेरे पापा ने बनाए थे, अब मम पढ़ानी है। हाँ। उम्मीद है अच्छे बने होंगे ठीक है। अभी आपको मिलते हैं नीचे। 7 बजे लस्सी बनने लगी है, बहुत ही मजेदार किस्म की लस्सी भी आज खाना नाश्ता आने वाला है। चलो लोग मैं कर दो। ईशान कैसे हो, ठीक हो? पाए खाने एक्साइटेड हो? लेकिन सब बच्चा पार्टी है, ये क्या सुन रहे हैं सब यहाँ पे? अखा भी सुरमा काला। तो गाइस पावे आ चुके हैं, देखें। वाओ ब्यूटीफुल। प्लेट बन चुकी है, अभी खाते हैं, खाते हैं आपको। गाइस बहुत मजेदार है, के बाद मिलूंगा आपको, फैमिलीज वगैरह भी बैठे ठीक है। मजेदार मजेदार गाइस, पावे शावे खा लिए हैं और पावे बड़े ही मजेदार थे और बोटी मैंने खाई है पर दिखाई। चल झूठा नहीं ठीक है, क्योंकि यार फैमिलीज वगैरह साथ बैठी थी, इस वजह से दिखाया नहीं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं ठीक है। वैसे पावे बहुत मज़ेदार थे और बड़े हैवी किस्म के बनाए थे ठीक है, बड़े आला थे, बड़े हैवी किस्म के। कम से कम मैंने 3 नान ठूस ली हैं ठीक है, और लस्सी का गिलास ऐसे पिया है ना तो नींद आ रही है लस्सी का गिलास पी के ठीक है, बड़ी हैवी किस्म की। आगे देखते हैं क्या होता है ठीक है, क्या क्या सडन रूटीन दिखाऊंगा फिर आपको, ब्लॉग एंड करेंगे ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस पाए शाय खा लिया, पाए बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे और पाए के लिए मामी ने जो टेस्ट बनाया ना पाए का, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया ठीक है। यहाँ ब्लॉग पॉइंट करते हैं ना, सब्सक्राइब शेयर कमेंट और भाई को दुआ में आदत ना मिलती आपको अगले ब्लॉग में ठीक है। आपका भाई थोड़ा ब्लॉग में स्टे देगा ठीक है, परेशान मत होना क्यों नहीं ब्लॉगिंग कर रहा ठीक है। ज़रा थोड़े बहुत पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह भी ठीक है, काम वगैरह भी था घर से मसूफियात की वजह से। आपका भाई थोड़ी से ब्लॉगिंग में स्टे रहे ठीक है, कब आ रहा नहीं है भाई आपका इधर ये ठीक है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।